नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे और अपने अपने परिवार के प्राणी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा देर मत कीजिए, जाइए इसी वक्त वो सब्सक्राइब ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। पैसा थोड़ी लगता है इस बात का। दोस्तों, अराइव कैन ऐप को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है पूरे कैनेडा में। लोग बार बार ये आवाज़ रेस करें कि भाई इसको अब हटा देना चाहिए। ये एक तरह से लोगों को मैंने प्रोसेसिंग टाइम बढ़ा रही है एयरपोर्ट पर, जबकि ऑलरेडी एयरपोर्ट में इतने ज़्यादा भीड़ है और स्टाफ की शॉर्टेज है, बहुत सारे इशूज़ हैं। तो इसी टॉपिक पर मैं बात करूँगा, मेरा ओपिनियन क्या है, और जस्ट ये मेरा ओपिनियन है दोस्तों। मेरे हिसाब से दोस्तों, होना ये चाहिए कि हमको इसको स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। जैसे लास्ट टाइम मैंने ट्रैवल की थी अराइव को, मैंने अपने सारी इन्फॉर्मेशन डाली थी, मैं कहाँ रुकूँगा, सिम्टम्स से लेके वैक्सीन सब डाला था मैंने। ठीक है, आप वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप लेकिन होता क्या है कि आप जैसे यहाँ लैंड किया कैनेडा, मैं टोरंटो में लैंड किया था, फिर आप कस्टम जाने से पहले वहाँ पे किसॉक्स रखे हुए हैं जहाँ पर आप अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं और कस्टम के क्वेश्चंस को फिल करते हैं और उनका प्रिंट आउट लेके आप काउंटर पे जाते हैं। तो जब आप हर चीज़ स्कैन कर रहे हो, तब आप इसको भी स्ट्रीमलाइन कर दो कि ये कस्टम का जो स्टेप है ये भी आप अराइव कैन में ही कर दो। इससे क्या होगा कि जो प्रोसेसिंग के टाइम में जो किसॉक पे खड़ा होना है वो आपको नहीं होना पड़ेगा। वैसे लोग जो कि इतने ज़्यादा टेक सेवी नहीं है, जो ऐप या इंटरनेट यूज़ नहीं करते हैं, उन लोग के लिए आप स्टिल रख सकते हो कि हाँ अगर आपने नहीं किया तो आप यहाँ कर लीजिए, लेकिन अगर आपने किया है आप उसी के थ्रू आगे चल जाइए और वहाँ पे कस्टम ऑफिसर जो आपके पास बैठा है, अगर वो आपका अराइव कैन का बार कोड या किसी पे स्कैन मारता है तो सब सारे इन्फॉर्मेशन निकल आते हैं, हाँ कि भाई आप आके आपने किया है, और उसको इसमें कुछ क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकता है। उसके बाद तो भाई केस बाय केस क्वेश्चन पूछ जाते हैं, केस बाय केस प्रोसेसिंग होते हैं, तो वो ठीक है। लेकिन ये जो बीच का किसॉक वाला स्टेप है जहाँ पे लोग खड़े होकर फिल करते हैं, तो ये स्टेप को, ये टाइम को रिड्यूस कर दिया। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं तीन लोग की फैमिली लेके चलता हूँ, मैं तीन या चार पांच जितने भी, कम से कम 3-4 मिनट तो मुझे लगेगा ना वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करने में, उसके मैं बाद में जाऊँगा। पहले क्या होता था कि ये स्टेप फ्लाइट में होता था, फ्लाइट में ट्रैवल करते थे वहीं पर फिजिकल फॉर्म दिए जाते थे, कार्ड टाइप होता था, आप फिलअप कर दो लेके चले जाओ। तो ये अब वहाँ किसॉक पे हो रहा है, तो ये किसॉक को अगर हम हटा दें या एटलीस्ट अराइव कैन से लिंक करके ये पर्टिकुलर स्टेप्स को हटा दें, तो क्या इसका फ़ायदा नहीं होगा? मेरे हिसाब से होगा। अगर हम हर एक फैमिली पे 3-4-5 मिनट ऐसे रिड्यूस करते जाएं, तो ये वहाँ पर लोगों को हेल्प करेगी, लोग जल्दी कस्टम पार करके फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, वो जो कस्टम पार करना है वहाँ केस बाय केस होता है, वो डेफिनेटली वो वेल अंडरस्टूड है, वो ऑफिसर्स के अपने प्रोटोकॉल होते हैं। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन उनको फिर प्रोवाइड करनी है, अगर उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के तरीके को आसान बना दिया जाए, तो ये तो उनके लिए भी हेल्पफुल होंगी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर गवर्नमेंट को इसको स्ट्रीमलाइन करना चाहिए कि अराइव कैन का मतलब जस्ट ये वैक्सीन और COVID-19 का इन्फॉर्मेशन नहीं, आप सारे इन्फॉर्मेशन ले लीजिए और बीच के जितने स्टेप्स हैं सबको हटा दीजिए। इससे आपको मतलब ये ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, और मैं समझता हूँ कि हमारे पास इनफ टेक्नोलॉजी है इस प्रोसेस को अचीव करने के लिए। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसको इम्प्लीमेंट किया ताकि हम इसमें अच्छा कर सकें। वीडियो देखने का धन्यवाद दोस्तों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।